स्वागत है पीके न्यूज बिहार में। अभी मैं मौजूद हूँ जाले दक्षिणी पंचायत के एक ऐसे मोहल्ले, एक ऐसी जगह जहाँ जल जमाव बन चुका है तनाव, जहाँ हमेशा पानी लगा रहने के कारण, जल जमाव होने के कारण मुख्य मार्ग है, मेन सड़क है, जहाँ से लोगों का जो मेन रास्ते से जो ज्वाइंट करता है इस मोहल्ले को, इस पूरे बस्ती आबादी को, उस जगह के मेन मार्ग पे मैं अभी मुख्य सड़क पर मैं चलते हुए आगे की ओर मैं आपको यहाँ जल जमाव किस प्रकार का है, किस तरह से कंडीशन है, ये मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिर कब से ऐसा है और क्या वजह है जो इस तरह से ये पूरी तरह से पानी लगा हुआ है। रास्ता जो ये रूट है वो बिल्कुल बाधित है, काफी मुश्किल से अंदर की ओर जाने की कोशिश, काफी कठिनाइयों का सामना करके लोग अपने घरों से बाहर अपने आवश्यकता के जो भी सामग्री होते हैं उसके लिए आते और जाते होंगे, जैसा कि आप साफ देख पा रहे हैं, क्लियर देख पा रहे हैं। ये मैं अभी इस मोहल्ले के अंदर इन कर चुका हूँ, ये सारा कंडीशन आप देख पा रहे हैं। यहाँ जो लोग आते जाते हैं इनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये सड़क कब से ऐसा ख़राब है और क्या रीज़न रहा है, क्या इन लोगों ने अपने नेताओं से कंप्लेन की, शिकायत दर्ज की, या फिर इनके नेता क्या आश्वासन देते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। जी कौन सा जगह है ये, कौन सा पंचायत है? दक्षिणी। जाले दक्षिणी है। ये सड़क कब से ऐसा है, रोड कब से ऐसे खराब है? ये 2-3 साल से ऐसा है, पहले तो इधर है ऐसे ही, तो ना कोई रहा है, ना नाला रहा है, नाला से इधर पानी जाता है तो सब सही रहा है। अब जो हो गया नाला बंद करवा दिया, यही मुखिए भरवा दिया उसको, नाला भराया तो देखिए कि कितना मट्टी दी, कुछ नहीं किया। हम सब बोला था कुछ नहीं करता है, उससे नहीं होगा कुछ, आप कोशिश कीजिए, मुखिया से नहीं कुछ होगा। यानी आपको लगता है कि मुखिया जी से कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों, आप लोगों ने कभी कहा उनको बनाने के लिए? बहुत बहुत पीछा लग के हम सब परेशान हो गए, था उसको पीछा क्या कहते हैं वो कहता है होगा ना, बस कुछ नहीं। उधर के लोग को सब चीज करता है, बाकी 70 के लोग के करता है, मगर इतना दूर के लेके बहुत परेशानी हमको सबको। चलिए जानते हैं, यहाँ पर युवा भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा और कब से इस तरह का मुश्किल घड़ी से ये लोग रहते हैं, मुश्किल घड़ी में रहते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। जी क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। यहीं के रहने वाले हैं? ये कौन सी जगह है? रामबाग, लाल बाग है। ये बताइए कि ये कौन से पंचायत में पड़ता है? दक्षिणी में, जाले दक्षिणी में पड़ता है। ये जो सड़क है, ये जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ अपने कैमरामैन के कैमरा में, ये बताइए कि यहाँ ये जो कंडीशन है इसके बारे में आप लोगों ने अपने नेता से, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति या मुखिया किसी से कहा था? आप लोग कहा था, लेकिन वो बोला हो जाएगा, लेकिन करता कुछ नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, करता कुछ नहीं। आप लोग कहते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, तो काफी दिक्कत होता होगा यहाँ से बाहर आने जाने में? आने जाने बहुत दिक्कत होता है, पानी इतना लगा हुआ रहता है, गंदा पानी लगा हुआ रहता है, नाली लोग बंद कर चुका है। नाला पहले था, यहाँ से लंबा लंबा गया हुआ था। अच्छा ये बताएं कि ये जो सड़क है जिसे मैं दिखा पा रहा हूँ कंटिन्यू, लोग काफी मुश्किल से साइड से अपने जान को जोखिम में डालकर बाहर आने की कोशिश करते, तो ये बताएं कि यहाँ से आप लोग अपने आवश्यकता का सामग्री जो होता है, जरूरत का सामान लेने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है? ये चौक पानी हिल के जाना पड़ता है, चौक पर कोई भी छोटा सामान लेने के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कैमरा में कि ये जो इलाका है यहाँ दुकानें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है दूर दूर तक, तो कहीं ना कहीं अपने मोहल्ले से, अपने घर से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करके निकल कर यहाँ से बाहर जाने पड़ते हैं सामान लाने के लिए, और जिसमें लगातार काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कि आप साफ देख पा रहे हैं। ये कोई तालाब या कोई तालाब का किनारा नहीं बल्कि सड़क है जो बिल्कुल तालाब जैसा परिवर्तन हो चुका है, जैसा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम है सर?
जितेंद्र कुमार, यहीं के रहने वाले। जी जी, यहीं के। ये बताइए, ये जो सड़क है इसके बारे में आप लोगों ने कोई कंप्लेन कहीं कुछ कंप्लेन किए हुए हैं? पहले भी कोई सुनवाई नहीं है, न मुखिया जी सुनते नहीं आए, कोई भी सुनता ही नहीं। कि नाला है, बच्चे डूबने वाला था परसों दरसों, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है। बारिश ज्यादा हुआ, ज्यादा पानी के कारण इसमें, और छोटा बच्चा निकलेगा, संभाल नहीं निकले जाता, कुछ हो जाएगा, कौन रिक्स लेगा बताइए? नाला नहीं बना रहे ना, यहाँ पे आगे मिट्टी नहीं डलवा रहा, आगे नाला भी बना हुआ तो वो भी बंद करवा दिया उन्होंने। मैन नाला है वो भी बंद। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी जाने की कोशिश। जी कुछ कह रहे थे आप? जी कह रहे थे कि यहाँ से जो मैन नाला जो था तो वो भी बंद कर दिए हैं, तो पानी का निकास कहाँ जाएगा है? यहाँ पे एक भी एक पानी निकलने का रास्ता नहीं है। जब परसों बारिश हुआ, मेरी लड़की वहाँ से उतरी और वो धप से गिर गई। अगर हम लोग नहीं पहुँचते तो वो तो मर जाती, क्योंकि पानी एक घुटना ऊपर हो गया था है ना। यहाँ का मुखिया सुन रहे हैं, जिला परिषद भी गांव में है, सब चीज़ गांव में है, फिर भी कोई नहीं सुनने के लिए तैयार हो रहा है। मेंबर मुरारी आप अपने जी वार्ड मेंबर या पंचायत समिति वगैरह से शिकायत किया? हाँ, सबको हमने कह दिया, पार्टीशन भी हमने ब्लॉक में डाले हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है, साल भर हो गया पार्टीशन डाले हुए। परसों भी मुखिया को हम पार्टीशन देकर के आए। क्या कहा उन्होंने? उसने बोला कि हो जाएगा, कब होगा, जब बाढ़ आ जाएगा, सब चीज हो जाएगा, पानी बढ़ जाएगा तब हो जाएगा। और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी आप भी यहीं के रहने वाले हैं? ये मेरा सामने। क्या क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद तौकीर है। ये बताइए कि ये जो सड़क है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आप लोगों की? ये तो पहले सड़क जो बना इसमें तो नाला दिए नहीं। यहाँ पे हमारा घर करीब 15-20 साल से मैक्सिमम, हमने अगले साल आवेदन दिए थे, जो आके अपने ब्लॉक से प्रभारी भी देख के गए थे, इनका काम के लिए आवेदन दिए, रिसीविंग मिला, सब कुछ मिला। और ये रोड का काम राजदेव मुखिया दक्षिणी पंचायत 2 नंबर वार्ड, ये वार्ड नंबर 2 है, 2 नंबर वार्ड। तो ये बताइए कि वार्ड नंबर 2 के जो मेंबर हैं उनसे, जिनका ये पर्सनल वार्ड पड़ता है, उनसे आप लोगों ने कुछ ये संपर्क किए? हमने फॉर्म भर के ब्लॉक में आवेदन दिए, उसके बाद सब कुछ हो गया था। एक साल होने जा रहा है, एक साल से मुखिया हमसे सिर्फ यही बस दिलासा देते जा रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। और ये पानी इतना नहीं है, पानी इतना भरा हुआ था कल परसों के डेट में, जो बारिश हुई है 2-3 दिन लगातार जो बारिश हो रही थी, तो ज्यादा पानी था। बारिश होता है कि यहाँ से बच्चे का पढ़ाई लिखाई तो बच्चे का तो दूर की बात, यहाँ का बड़े को भी निकलना बहुत कठिनाई होता है, समझे ना। इस चक्कर में हम लोग का न मुखिया न मेंबर, मतलब कोई भी जरा सा भी सपोर्ट नहीं करता है, जो दक्षिणी पंचायत के राजदेव मुखिया है हमारे, समझे। चलिए मैं और भी लोग हैं, आगे महिलाएं हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं, काफ़ी मुश्किल के साथ ये मैं पानी के बीच से पब्लिक तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। यहां जो लोग हैं वो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इनको, जो कि मैं आपको लाइव दिखाना चाहूँगा। ये पानी जिसे काफ़ी मुश्किलों के साथ सामना करके यहाँ से निकलते हैं जो लोग, इनसे इनकी आप बीती जानेंगे। और आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा और क्यों इनके साथ ऐसा हो रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। जी यहीं के रहने वाले हैं जी। ये बताइए ये कौन सा वार्ड है? 2 नंबर वार्ड है। यही दिक्कत है कि रोड नहीं सही से बनाया और नहीं नाला बनाया। हम लोग पानी में जाते हैं आते हैं, बच्चा सब उसमें पिछड़ता है, गिरता है। यानी कहीं ना कहीं इस सड़क पर निकलना यानी जान को खतरे में डालकर है ना, बहुत दिक्कत है। काफी रिक्सी तरीके से आप लोग निकलते हैं। जी आप यहीं के रहने वाले? बहुत दिक्कत से आने जाने में दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होती है। तो कुछ मांग है आप लोगों का? कुछ मांग है, क्या होना चाहिए इसका? रोड बनाइए, नाला बनाइए, बस वही मांग। अब क्या बनाइए? नाला। लगभग कितने घर होंगे इस पूरे मोहल्ले में? पूरे में 20-25 घर है। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये एक बस्ती, एक मोहल्ला जो है, मैं आगे की ओर लेकर जाना चाहूंगा यहाँ पर, जहाँ लोग काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लगातार परेशान हैं लोग यहाँ के। और सड़क और नाला न रहने के कारण यहाँ की जो लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। लोगों को घर से निकलना, अपने जान को हाथ में लेकर निकलने जैसा बन चुका है। और आखिरकार कब तक यहाँ की जनता का गुरुहार होता रहेगा बेकार? इसी के साथ मैं फैजी, पीके न्यूज बिहार, पीके न्यूज बिहार में। अभी ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये कोई खुशी में निकले हुए लोग नहीं हैं, बल्कि अपने हालातों से मजबूर, अपने स्थिति पर रो रहे लोग, जो कि सड़कों पर आने पर मजबूर हो चुके हैं। चलिए आखिर क्यों ये ऐसी अवस्था में सड़क पर आए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये इस तरह से पानी हेलते हुए यहाँ आ रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या रीज़न रहा है और कौन सी जगह है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। जी क्यों आप लोग सड़क पर आए हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद तौकीर हुआ, 2 नंबर वार्ड से बोल रहे, जाले दक्षिणी पंचायत से जी। और ये जो एक साल से ऊपर हो गया जो हमारे पास ये रिसीविंग है आवेदन का, और ये सब कुछ दिखाइए, इसको ऐसे दिखाइए,
सारा ये रिसीविंग है जो कब्जा ये किस चीज का है, का चीज का चित्र है। आरसीसी पुल से लेके जो बनखत तक लेके नाला था सारा कैप्चर होने के बावजूद जो हमारे पास ये नाला बचा, यानी आप लोगों ने कंप्लेन किया था। जी ये पूरा हमारे पास ये पेपर है, रिसीविंग है, सब कुछ है। और ये देखिए एक साल हो गया हमने जो आवेदन दिए थे। और इसी तरह हमारे जो राज्य मुखिया है जाले दक्षिणी पंचायत के, वो एक साल से यही दिलासा देते जा रहे हैं कि मतलब हम करवा देंगे कर देंगे, जबकि आवेदन देने के बाद सीओ साहब खुद ही आए थे इसका निरीक्षण करने के लिए कि मतलब ये कार्य हो जाना चाहिए। अब छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, अगर वो डूब जाए मर जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। आखिरकार आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो आप लोग आखिर इसी तरह से आना जाना होता होगा आप लोगों का, ये मेन रास्ता आप लोगों के मोहल्ले में जाने का ये मेन रास्ता, मेन रास्ता और कहीं ना कहीं मेन रास्ता ही मुख्य मार्ग ही आपका बाधित है, मुख्य मार्ग में ही प्रॉब्लम है। तो क्या आप लोगों की क्या मांग है, कुछ कहना चाहेंगे? मांग है कि रोड सही कर दे, नाले बना दे। सामने जो सारा नाला ब्लॉक पड़ा हुआ है भर दिए हैं, पानी का कोई व्यवस्था नहीं है कहीं जाने उने का। परसों एक बच्चा डूब गया था, बच गया, अगर उनके घर वाले नहीं देखते तो बच्चा तो मर जाता, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। जो हमारे मुरारी है मैं कहीं ना कहीं ये सड़क का जो ये जो हाल है, ये सड़क का जो पोजीशन है, ये कहीं ना कहीं जानलेवा बन चुका है, बहुत जानलेवा है। चलिए यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी जाने की कोशिश करेंगे। जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, वही रोड रहा है और वही नाला है, हम लोग को यही चाहिए और कुंडी चाहिए, रोड नाला बनना चाहिए। यहाँ पर युवा भी है, युवा की क्या राय है ये जानने की कोशिश करेंगे। इनकी क्या राय है ये जानने की कोशिश करेंगे, ये भी यही के रहने वाले हैं। देख रहे क्या हाल हो रहा है, बताइए हमारे आगे आइए आगे आइए। हाल में और राज्य मुखिया जी के हाल, उसमें क्या नाम है उनके नेतृत्व में ये हाल है। देखिए पानी में पानी में कहीं ना